सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची, वेलकम टू एन इब्राज। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के ब्लॉग में। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की जो है शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनएम स्टोरी की, जहां आपने इश्क दरिया का 6-10 एपिसोड देख लिया होगा, जो कि 7वें डल चुके हैं। कंबाइंड एपिसोड डाला गया है ताकि आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी कहानी एक साथ देख सकें। बात करते हैं अगले एपिसोड की, तो आज आप सभी के लिए चुटपुरी का 12वां एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 12 डलने वाला है एनएम स्टोरी पे आप सभी के लिए, जिससे कि आप काफी ज्यादा खुश होने वाला और काफी ज्यादा मजा आने वाला है आपको देखकर। नेक्स्ट बात करते हैं लव सिटी की, जहां आपकी स्टोरी चल रही है बनू में तेरी, जिसका आपने हमारा 5th एपिसोड देख ही लिया होगा, जो कि डर चुका है। कहानी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट, जो कि आपको देखने के लिए मिल चुका होगा इस एपिसोड में। कैसे सब चीजें बदलती चली गई हैं, क्या श्याम सच में ऐसा है या कुछ नाटक कर रहा है, एक स्टोरी किस मोड पर जाने वाले, काफी कुछ सवालों के साथ हमारा अगला एपिसोड भी आज आप सभी के लिए लव सिटी पे डलने वाला है। तो उसको देखना, एंजॉय करना, बताना कहानी कैसी लगी। नेक्स्ट बात करते हैं काका टीवी की, जहाँ पे आप सभी के लिए नई स्टोरी आज डलने वाली है। फिलहाल पहले बात करते हैं हमारी लास्ट स्टोरी की, जो कि 1-5 एपिसोड आप सभी के लिए डल चुके हैं, अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद की है। और अब आ रही है नई कहानी, जिसका नाम है सास बहू बेटियां, जिसका पहला एपिसोड आज ही आप सभी को काका टीवी पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो देखने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और मजेदार भी है। तो देखना कहानी को, एंजॉय करना। नेक्स्ट बात करते हैं हॉरर सिटी की, जहाँ पे आपने 3 ओनली फैम हॉरर स्टोरी देखी होगी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 3 किस्से आप सभी के लिए डाले गए हैं, जो उसको देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। और नेक्स्ट है आज भी आप सभी के लिए एक हॉरर स्टोरी डलने वाली है, कौन सी कहानी है डलेगी जरूर देखना। फिलहाल यहाँ पे सस्पेंस छोड़ते हैं, कहानी कौन सी आ रही है जरूर देखे, बताना कैसी लगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई अपलोडिंग की बात, चलते हैं हमारे लास्ट व्लॉग में और देखते हैं हमारे पास क्या क्या कॉमेंट्स आए हैं। सबसे पहला कमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, इश्क दरिया बनू में तेरी दुल्हन स्टोरी इज वेरी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच कहानी पसंद करने के लिए। नेक्स्ट है हैप्पी दिवाली, आई लव यू ऑल योर स्टोरीज, थैंक यू। एंड नेक्स्ट है जलपरी की कहानी इज बेस्ट, थैंक यू दीदी, वेलकम, आपको अच्छी लग रही कहानी, देखिए और एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट है जैसे दोनों स्टोरी के एपिसोड एक साथ अपलोड किए हैं वैसे ही किया करो, एक्चुअली कहानी को जब एक साथ बनाया जाता है ऐसा होता है कि कभी कभी कहानियां सेम ड्यूरेशन में बन जाती है, इसलिए हम दोनों को एक साथ डल जाते हैं। जैसे आज हमारी तीनों चैनल पे इंक्लूडिंग चारों चैनल पे नई कहानी आ रही है, तो ऐसे ही होता है जब हम बना के रख देते हैं उसके बाद ही आप सभी के लिए डाल दी जाती है। नेक्स्ट है किन्नर की स्टोरी, प्लीज दीदी अगर आएगी तो जरूर आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल जो कहानियां चल रही है उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है सागर के पिता को मारा था 2 बोनो आदमी और दिवाली की स्टोरी लेकर आई, दिवाली की स्टोरी तो नहीं आ रही लेकिन दिवाली का किस्सा लेकर आ रही है लव सिटी की कहानी, जो कि है बनू में तेरी दुल्हन, उसमें दिवाली का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया, तो देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इश्क दरिया जलपरी की दास्तान एपिसोड 12 सीजन आज ही देखा है, लेकिन ये क्या पहले पराग और सोनिया धरती पर इंसान के भेष में बदल कर अकीरा को ढूंढ रहे हैं, और अब मीना मीना भी अकीरा को ढूंढने लग गई है, क्या क्या राज छिपा कर रखा है, और आज भी अभी भी बहुत सारे राज खुलने बाकी है, राज तो जान कर ही रहेंगे, और आखिर ये लोग अकीरा को ढूंढने आए हैं या खुद इंसानी दुनिया में फंसे। जी हाँ, कहानी तो अब आगे की तरफ बढ़ रही है कि कहानी में एक्चुअल में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं धरती पे वो भी अकीरा को ढूंढने के लिए, और अकीरा हो रही है सागर के करीब, तो क्या होने वाला है कॉन्सेप्ट में, सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी, आगे देखते जाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू कमाइंड एपिसोड देखा, इंटरेस्टिंग बनू में तेरी दुल्हन एपिसोड 5 टीजर कल ही देखा है, एंड ऑल्सो एपिसोड 5 भी देखा, लेकिन श्याम का रवैया अचानक से कैसे बदल गया, कल तक जो राधा को बनारस की ट्रेन में आजमगढ़ तक पहुंचा देने वाला आज उसको नौकर के बीच में ही छूट गया। एग्जैक्टली कहानी जो है अब फाइनली मोड़ ले रही है, नए नए ट्विस्ट के साथ आप लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि एक वक्त पे था जो श्याम है वो राधा की इतनी मदद करता है और उसको गलत सिचुएशन से बाहर निकालता है, अब वो अपने ही घर में उसको एक ऐसी सिचुएशन में ला रहा है जहाँ किसी भी लड़की को नहीं होना चाहिए। सो कहानी जो है अब तो बहुत चीजें होने वाली है, कहानी की तो शुरुआत अब हुई है, सो देखते जाइए और देखते हैं हमारे साथ कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। So that's it, आज ये कमेंट बस इतने ही, अब चलते हैं आप सभी को लेकर बिहाइंड द सीन में और देखते हैं आप सभी की जो कहानी है
वो भी कहाँ पहुंच रही है। सो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है बनो में तेरी दुल्हन का, जो कि आज सिर्फ जो है इसी स्टोरी पे काम हो रहा है। बनो में तेरी दुल्हन आप लोगों के लिए जल्द ही ये एपिसोड निकाला जा रहा है, जिसका नाम है बनो में तेरी दुल्हन का हमारा 6th एपिसोड। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको राधा और श्याम दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में किसी तरह की लड़ाई चल रही है। श्याम जो है बार बार राधा को कोस रहा है और गलत गलत चीजें बोल रहा है। तो क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, मतलब बहुत ऐसी चीजें होने वाली है कहानी में जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपको ऐसा लगेगा ये कैसे हो सकता है, तो बहुत सी चीजों के राज लेके, अनएक्सपेक्टेड चीजें लेके हमारा ये अगला एपिसोड आप सभी के लिए आई लव सिटी पे डलने वाला। तो देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। सो दैट्स इट, आज की बिहाइंड द सीन में इतना ही, क्योंकि आज आप सभी के लिए सिर्फ बनो में तेरी दुल्हन ही तैयार हो रही है, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द एपिसोड देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल तो फिर आते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप हमारी सारी कहानियों को एंजॉय कीजिए और बताना जरूर यहाँ कि आपको हमारी कहानी कैसी लगे। स्टे ट्यून्ड विद डेनिम ब्लॉग्स।